गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। आज अपने कक्षा की इंग्लिश हिंदी का आठवां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है गीत यहाँ खुशहाली के। क्या होता है गीत यहाँ खुशहाली के? क्यों लिखा गया है गीत यहाँ खुशहाली के? क्या और जगह नहीं होती? गीत यहाँ खुशहाली के इसलिए लिखा गया है कि गाँव के अंदर जो खेतों के अंदर खुशी होती है, वो हमें जो हमारी खुशियाँ वो कहाँ से मिलती है? खेतों से मिलती है। तो इसलिए पाठ का नाम लिखा गया है गीत यहाँ खुशहाली के। तो पाठ पढ़ेंगे तो इसमें साथ साथ क्या है, कुछ कठिन शब्द भी होंगे, उन शब्दों को लेकर हम अपना पाठ पढ़ेंगे। तो खेतों के अंदर जैसे किसान हल चलाता है ना, तो ये उसके ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी गई है कि जब किसान काम करता है तो वो क्या क्या उसके मन में है वो ख्याल आते हैं, ठीक ना? तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे। युग युग से हम रहे उपासक गेती और कुदाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। युग युग से क्या हो गया मतलब लंबे समय से, सदियों से हम क्या करते आ रहे हैं, खुशहाली के जो गीत है वो गाते आ रहे हैं और हम उपासक रहे हैं। उपासक मतलब उपासना या भक्ति करने वाले रहे हैं। किसकी? इस धरती की। इस धरती की हम सदियों से क्या है, उपासना या भक्ति करने वाले रहे हैं। इस धरती के लिए पता नहीं हम हमारे कितने वीर जवानों ने क्या है बलिदान दिया है। तो और हम यहाँ जो उपासक है इस धरती के, और इस धरती की जो उपासना करने वाले हैं इस कहानी में, वो है गेती और कुदाली। मतलब जो किसान खेत में हल चलाता है उसकी कुदाली और गेती जो होती है वह इस धरती की क्या है, उपासना करने वाली रही है। हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। हल्की नोक, नोक क्या होता है? देखो हल के आगे लगी लोहे के फाल का नुकीला भाग, मतलब एक लकड़ी का सांचा होता है, उसके आगे एक लोहे का यूं त्रिकोणा एक भाग लगा होता है, ठीक ना? तो इस जो ये नोक है ना, इसको कहा गया है नोक। तो ये हल्के आगे का जो नुकीला भाग, इसको क्या कहा गया है, नोक कहा गया है। तो ये जो हल्के आगे लगी होती है, इस प्रकार ये हल होता है, ठीक ना? तो हल्की नोक लिए लिखते गीत यहाँ खुशहाली के, और इस हल्की नोक लेकर हम यहाँ गीत खुशहाली के लिखते हैं। खुशहाली मतलब सुख समृद्धि के गीत यहाँ लिखते हैं। घुंघरू वाले बैलों के जब मिट्टी महके पांव तले, घुंघरू वाले बैल मतलब जो बैल है जो खेती में हल चलाते हैं, बैलों को जोत कर हम क्या करते हैं, हल चलाते हैं। तो उन बैलों के गले में हम क्या करते हैं, घुंघरू बांधे रहते हैं। तो घुंघरू वाले बैलों के जब मिट्टी महके पांव तले, जब वो बैल चलते हैं तो उनके गले में जो घुंघरू बंधे हुए होते हैं, उन घुंघरुओं की आवाज भी उसके साथ बैल जब चलते हैं तो उनके साथ आती है, और उनके पांव के तले मिट्टी महकती है। जब बैल चलते हैं तो मिट्टी भी क्या है, ऊपर उठती है, और हल से क्या है, मिट्टी की खुदाई होती है। तो उस मिट्टी की खुशबू है महके, मतलब देखो सुगंध आना, तो उस मिट्टी की खुशबू है वो चारों ओर फैल जाती है। बहे पसीना तेज धूप में या बादल की छांव तले, और उस किसान का पसीना है जब वो खेती करता है, तो उसका पसीना क्या है, तेज धूप में खेती करता है, तो ये ऐसे तो नहीं भी उसके ऊपर कोई छांव रहेगी, उसे तो चाहे धूप हो चाहे छांव हो उसको तो खेती करनी है। तो कभी तो उसे तेज धूप में उसका पसीना बहता है, या कभी छांव में भी जैसे सूर्य के प्रकाश को बादल ढक लेते हैं तो उस छांव में भी उसका पसीना बहता रहता है। दर्शन होते हैं इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के, और उसे दर्शन होते हैं, बारिश होती है खेतों में हल चलाते हैं तो उसके क्या है, इंद्रधनुष के भी दर्शन होते हैं और संध्या की लालिमा के भी दर्शन होते हैं। हल्की नोक लिए लिखते हैं हम गीत यहाँ खुशहाली के, और उस हल्की नोक के नीचे हम सुख समृद्धि के गीत लिखते हैं। कोयल मोर पपीहे गाते शाम घटा गहराती है। जब घटा, घटा क्या होती है, देखो घटा होती है बादल, जब बादल और गहराती है मतलब गहराना या घुमड़ घुमड़ कर आना, जब बादल की घटा घुमड़ घुमड़ कर आती है तब कोयल मोर और पपीहा गाते हैं। मधुर स्वरों में कोकिल कंठी बहुत गीत सुनाती है, और अपने मधुर स्वर मतलब उसकी जो कोयल की मीठी आवाज होती है वो तब क्या है, उसमें अपने हमें मधुर आवाज में गीत सुनाती है। इसलिए यहाँ ये जो गीत है वो खुशहाली के लिखे गए हैं। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो अपने जो इसका भाग और रह गया है ये पार्ट, वो हमें
एक बार आप दोहराव जरूर करना। धन्यवाद।